माननीय सांसद बीडी राम जी को नैतिकता के आधार पर लामू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि 10 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष लामू संसदीय क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व किया। इस प्रतिनिधित्व करने के दौरान जो मुख्य मांगे थी, जो बड़ा मुद्दा था, उस पर उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। चाहे वो तुलसी डामर डोलेमाइट को खदान को चालू कराने का मामला हो, जपला सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने का मामला हो, या फिर कांडी प्रखंड के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि हम सोन और कोयल नदी के पर तटबंध बनवाएंगे। आज हजारों एकड़ की भूमि पर मरुस्थल बन गई है, वहां बालू फैल गया है, किसानों को उससे खासा नुकसान हो रहा है। पूरे लाव लश्कर के साथ ढोल नगाड़ा बजाकर, लोगों को जुटाकर, हेडलाइन बनवाकर मंडल डैम का शिलान्यास किया गया और आज मंडल डैम पर घास भी नहीं हटा है। काम शुरू होना तो छोड़ दीजिए। और यह शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो जब बड़े प्रमुख मुद्दों को माननीय सांसद गंभीरता से नहीं लिए, उसके समस्या का समाधान के लिए, उसके निष्पादन के लिए उन्होंने कोई भी पहल करने का काम नहीं किया, तो नैतिकता के आधार पर किस आधार पर वो फिर से तीसरा बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और पार्टी उनको क्यों लड़ाना चाह रही है? मेरा सवाल बस यही है कि जिस तरह से पलामू के किसान नीलगाय की समस्या से परेशान, क्या उन्होंने कभी भी संसद में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने तथा नीलगाय के समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कोई पहल किया, कोई आवाज उठाया? तो जितने बड़े मुद्दे थे उस पर सांसद बीडी राम जी फेल हैं। और अभी जो हाल का मामला है कि एक उम्मीद की किरण वंदे भारत ट्रेन के रूप में लामू वासियों को दिख रहा था, लगातार लोगों को राजधानी आना जाना पड़ता है कि 3 घंटे में हम यहां से चले जाएंगे, 3 घंटे में उधर से लौट आएंगे, लेकिन इनकी विफलता, इनकी निष्क्रियता की वजह से, ये कंबल ओढ़ के और घी पीने की जो इनकी परंपरा है, इसकी वजह से जो रूट पहले से तय किया गया था कि लोहरदगा टोली डाल्टेंगे होते हुए बनारस तक जाएगी वंदे भारत ट्रेन, वहां गिरिडीह के सांसद के दबाव के कारण, उनकी सक्रियता के कारण आज इस ट्रेन का परिचालन गिरिडीह गया से बनारस तक हो रही है। और फिर से पलामू के लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। तो आज कहीं ना कहीं 10 साल में पलामू की जनता इनकी निष्क्रियता और विफलता के कारण अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, उनके अंदर एक निराशा का भाव है। और इसी का देन था कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता, कुछ मंडल के नेता के द्वारा सच को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही जा रही थी कि नहीं, ये अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम जनता के पास किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो आदमी निष्क्रिय रहा है, अगर ये सोच के साथ कि मैं तो प्रत्याशी हूं, किसी और के नाम पे हमको वोट मिल जाएगा, तो इससे किसी भी क्षेत्र का, पलामू संसदीय क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। फिर तो देश में पार्टी आधारित चुनाव हो जाना चाहिए, किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ उम्मीदवार उतारने की क्या जरूरत है, पार्टी चुनाव लड़े। अगर अमेरिकी पद्धति भी से ऊपर इन लोग आगे बढ़ा जा सकता है, एक प्रधानमंत्री का चेहरा सभी पार्टी के द्वारा निर्धारित हो जाए और इलेक्शन हो जाए, जिसको जब सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा, सांसद चुनने का फिर क्या औचित्य रह जाएगा? जब सांसद इस भरोसे है कि हमको फलना के चेहरा पर वोट मिल जाए और इसीलिए वो निष्क्रिय होकर घर पर बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो इससे आखिर में आखिर जनता को नुकसान हो रहा है। एनडीए गठबंधन अभी तक चेहरा सामने नहीं लाया। देखिए, एनडीए गठबंधन जनता के बीच क्या है, जनता के बीच अभी चौथे चरण में यहाँ आपका चुनाव होने जा रहा है, 13 मई को वोटिंग होगी, अभी पूरे 1.5 महीना बाकी है। और जो जनता के बीच है, जो लगातार सक्रिय है, हमको कहीं से पलायन करके उम्मीदवार नहीं लाना है, हम कोई बोरो प्लेयर इंडी गठबंधन नहीं लाता है, इंडी गठबंधन उनको ही टिकट देता है, उनको चुनाव लड़ाता है जो इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में पले बढ़े और लगातार राजनीति में सामाजिक रूप से सक्रिय है। और मुझे उम्मीद है कि चाहे जिसे भी सीट मिले, राजद हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा,
यहाँ वही नेतृत्व करेगा जो यहाँ के लोगों के सुख दुख में बढ़कर भागीदारी निभाया है। अगर वो कैंडिडेट बनता है तो उसको तैयारी अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, जनता उसको जानती है। विलंब अभी प्रत्याशी कहाँ, वहीं इंडी गठबंधन ने सामूहिक रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। गढ़वा जिला मुख्यालय में कई वर्षों से आपको कपड़ों का आकर्षक सेल देने वाला एकमात्र प्रतिष्ठान पदुमलाल पवन कुमार NXT दुकान का भव्य शुभारंभ नियर कचहरी रोड में हो गया, जहां आपको मिलेगा कपड़ों का अनेक वैरायटी की लहंगा सूट साड़ी कोट पैंट, ठंड के मौसम में ऊनी गर्म कपड़ों का सेल, लेडीज जैकेट स्वेटर आदि अन्य कपड़ों का संग्रह। एक बार अवश्य मेरे न्यू प्रतिष्ठान में पधारे और लगातार सेवा करने का मौका दें।